अगर ब्रेक के लिए नहीं करना तो छोड़ दीजिए, बगल होइए वो नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है और जो योद्धा हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो वहीं आज खबर है कि लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन एक घंटे तक चली है। आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टी में CPI, CPM और माले के नेताओं ने तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान जगदानंद सिंह भी उनके साथ थे। इससे पहले कई दौर की बैठक जो है लेफ्ट पार्टी के नेताओं की जगदानंद सिंह के साथ हो चुकी है। तकरीबन 5 दफा जगदानंद सिंह से RJD कार्यालय में लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। इन 5 बैठकों में किन किन सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और आज फाइनल दौर पर, एक तरह से कह सकते हैं आज फाइनल तौर पर, लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। और जब तेजस्वी यादव से मुलाकात करके लेफ्ट पार्टी के नेता निकल रहे थे तो लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ गठबंधन को लेकर जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन लेफ्ट पार्टी के साथ हो चुका है। सबसे पहले जगदानंद सिंह का वो बयान सुनिए। यह औजार बिहार के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, दलितों, महादलितों, पिछड़े, अत्यंत पिछड़ों को कैसे हमारी गाँव की पूरी आबादी की रक्षा हो सके, और बिहार अगुवाई कर रहा है पूरे देश को बचाने के लिए चुनाव, बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ऐसी ताकत आप देख रहे हैं कि हमारे सभी वामपंथी साथी, प्रगतिशील साथी जो दंगाइयों और उन्मादियों के खिलाफ सदा से लड़ते रहे हैं और लालू जी का जिनको मार्गदर्शन सबको मिलता रहा है, हम लोग स्वाभाविक दोस्त हैं, स्वाभाविक मित्रता है हमारी, हम सब लोग मिल करके इनको परास्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आज खड़ा है, हम सभी खड़े हैं। आज की बात इतनी ही है। सीटों की कब तक घोषणा हो जाएगा? और ये 2 दिन का मामला है, सब हो जाएगा जब एक साथ हम लोग बैठ के उस दिन हम लोग स्वागत आपका करेंगे, पूरी सूची आपको देंगे। केवल सीटों की संख्या ही नहीं होगी बल्कि किन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा, सभी हम जो मैनिफेस्टो अपना निकालेंगे उसमें सारी चीज़ों की बात होगी और सभी लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए इन दंगाइयों को भगाने के लिए, बिहार को बचाने। यह है जगदानंद सिंह, जिन्होंने साफ कर दिया है कि लेफ्ट पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है, यानी कि महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी शामिल हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन का स्वरूप अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसा होगा ये अब तक साफ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अभी तक के लिए इतना ही।